तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि मैं अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप में एक फोल्डर बनाकर उसको हाइड करके अपनी पर्सनल फाइल उसके अंदर रख दूं, उसको कोई भी बंदा उस फोल्डर को या उस फाइल को एक्सेस ना कर पाए, तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने उस फोल्डर को कैसे हाइड या अनहाइड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक फ्री की टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई विक्टर ठाकुर, और आप देख रहे हैं हाउ टू मेक केटर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल हाउ टू मेक केटर को सब्सक्राइब करके मेरी प्यारी सी फैमिली हाउ टू मेक केटर के मेंबर नहीं बने हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दोस्तों ऐसा वीडियो और ऐसा कंटेंट हमेशा बनाता रहता हूं। तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसको वॉच कर सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे आप एक फोल्डर को अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप में बनाकर उसको हाइड या अनहाइड कर सकते हो। और जो फ्री की टिप्स है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जो ये टिप्स है मैं आपको वीडियो के एंड में ही बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक फोल्डर बनाने के लिए दोस्त अपने कंप्यूटर या अपने डेस्कटॉप में या अपने लैपटॉप में कैसे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं न्यू में गया, आप मेरे माउस कर्सर को देख सकते हैं, यहाँ पे मैं न्यू में गया और एक फोल्डर पर क्लिक किया, न्यू फोल्डर पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने न्यू फोल्डर पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया। तो इसके अंदर दोस्तों जैसे मैंने ओपन किया, अभी ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है बिल्कुल। इसके अंदर जैसे मेरे पास एक सॉन्ग की फाइल है, मैं इसको रख लेता हूँ। तो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सॉन्ग की फाइल है इसके अंदर चली गई है। आप दोस्तों इस फोल्डर को हाइड करेंगे, इस फोल्डर को दोस्तों हाइड करने के लिए आप अपने डेस्कटॉप में भी इसको कर सकते हैं और अपने लैपटॉप में भी इस प्रोसीजर को आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हो। जैसे ही आप अपने कर्सर को इस फोल्डर के ऊपर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना सिंपल, और सबसे नीचे आना प्रॉपर्टी। जैसे ही आप प्रॉपर्टी पे आएंगे यहाँ पे दोस्तों, आप सबसे नीचे देखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पा रहे हैं जैसे कि हिडन लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप चेक मार्क करेंगे। तो जैसे ही आप चेक मार्क करेंगे उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको अप्लाई पर क्लिक करना, अप्लाई पर क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि आप जो फोल्डर है उसको ही हाइड करना चाहते हो, या उसके अंदर जो फाइल है उसको भी, आप जितनी उसके अंदर फोल्डर के अंदर फाइल है उसको भी हाइड करना चाहते हो, आपको यहाँ पे चूज करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जैसे कि उसके अंदर की जो फाइल है वो भी हाइड हो जाए और जो मेरा फोल्डर है वो भी हाइड हो जाए, तो यहाँ पे मैं सिंपल नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और सिंपल ओके बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो डेस्कटॉप पे फोल्डर बना था वो हाइड हो गया है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फोल्डर हाइड हो गया, अब उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो जैसे कि आप, मैंने बताया कि आप ही उसको एक्सेस कर सकते हो, अभी इसको कोई नहीं देख सकता, ना आप देख सकते हो ना कोई दूसरा पर्सन देख सकता है। तो दोस्तों इस फोल्डर को अनहाइड करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, सिंपल हम माई कंप्यूटर पे जाएंगे या दिस पीसी पर जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है। जैसे ही आप व्यू पर आएंगे यहाँ पर आपको, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे हिडन आइटम। जैसे ही आप यहाँ पे हिडन आइटम पर चेक मार्क करेंगे, तो चेक मार्क करने के बाद दोस्तों आप कुछ नहीं करना, सिंपल आपको मिनिमाइज कर देना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका ये फोल्डर है ये आपके सामने है। अगर आपको दोबारा इस हाइड करना है तो दोस्तों यहाँ पे और इस पीसी में आपको दोबारा आना है, और यहाँ पर जो आपका हिडन आइटम है तो दोस्तों दोबारा हाइड करने के लिए आपको दोबारा इस पीसी पर आना है, जो आपका हिडन आइटम पर जहाँ पे आपने चेक मार्क उसको आपको रिमूव कर देना है। यहाँ पे जैसे आप टिक मार्क हटाओगे तो ये दोस्तों आपका जो फोल्डर फिर से हाइड हो गया है, जिसको आप ही एक्सेस कर सकते हो और इसको आप ही देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जो ये हाइड और अनहाइड का है, ये दोस्तों आपको ही पता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो आपने हाइड किया है जब तक ये किसी को नहीं दिखेगा तो दोस्तों एक तरह से ना ये फोल्डर लॉक का काम करता है, तो उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ये फोल्डर लॉक का काम करता है। दोस्तों इसको मान सकते हैं कि ये एक तरह का एक फोल्डर लॉक हो गया जिसको अभी तक। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं यहाँ पे एक फ्री की टिप्स आपको दूंगा जिसको आप यूज करके आप अपने इस फोल्डर को हाइड तो कर सकते हो, लेकिन मैं एक ऐसी टिप्स दे रहा हूँ आपको कि आप इस फोल्डर को कोई नहीं देख सकता, जो मर्जी कितना ही जोर लगाए, कोई भी मर्जी इसमें इतना जोर कितना भी जोर लगा ले, इस फोल्डर को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो दोस्तों सिंपली जैसे कि मैंने बताया कि आपने ये डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे बनाया, तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे अगर ये फोल्डर आप चाहते कि कोई भी ना देख सके, तो दोस्तों इस फोल्डर को जो आपने ये फोल्डर बनाया है तो ऐसी जगह पे बना लो कि इसको कोई भी मतलब देख ना पाए, कि इतना जैसे ये पार्टीशन के अंदर, जैसे कि आप इस पार्टीशन के अंदर जाओ और उसके अंदर जैसे कि यहाँ पे गए, उसके बाद आप देख सकते हो इसके बाद यहाँ पे गए, न्यू फोल्डर के अंदर गए, फिर ऑल म्यूजिक यहाँ पे गए। तो दोस्तों इस फोल्डर को आप देख सकते हैं कि इतना अंदर बना लो कि वहाँ तक कोई बंदा पहुँच ही ना पाए। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और इसको मैं हाइड कर देता हूँ।
तो जैसे ही दोस्तों मैंने बताया उसको हाइड किया, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको चेक मार्क को रिमूव किया। तो दोस्तों अब ये होल्डर इतना अंदर बना दिया मैंने कि इसको कोई देख नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इतनी अंदर भी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, सबसे पहले मिले, आप उसको वॉच कर सके। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो ऐसा कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।